जी गाड़ी चलाने में तो अभी जरा सा भी फील नहीं होगा कि 125 सी का गाड़ी चला रहे हैं। इसमें जो है आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी एच गुड्डा रेड ब्लॉग पर आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों, आपकी स्वास्थ्य है, मस्त है, अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त हैं। तो आज ये स्पेशल ब्लॉग TVS रेडर पर होने वाला है, क्योंकि इसका जो है मैं आज फुल रिव्यू देने वाला हूँ और उसका जो है फर्स्ट है उसका वॉक राउंड देखें। सबसे पहले अगर इसका टायर साइज़ की बात की जाए तो 100/90 का टायर साइज है और रियर ब्रेक डायमीटर 130 mm, और आगे का जो है फ्रंट ब्रेक का डिस्क ब्रेक का जो है 130 mm डायमीटर। ये गाड़ी की सीसी की बात की जाए तो 124.8 सीसी का जो है इसमें सिंगल सिलेंडर इंजन लगाया गया है और इसका जो आगे का DRL है कुछ इस तरह का जो है लुक देता है। 5-speed गियर बॉक्स के साथ ये इंजन आता है सिंगल सिलेंडर। 10 लीटर का जो इसका है फ्यूल टैंक और डिस्प्ले डिजिटल मीटर। यहाँ पर आपको USB पोर्ट दिया हुआ है, आप कहीं सफ़र पर निकलें तो फिर इसको आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm है। अभी मीटर की बात की जाए तो रेंज इसका अभी 59 किलोमीटर बता रहा है। इसमें जो अभी पेट्रोल बचा हुआ वो 59 किलोमीटर चलने वाला है। अभी मैं इसको मोड चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है एवरेज इसका जो फर्स्ट सर्विसिंग में है वो 53 किलोमीटर बता रहा है। कंपनी दावा करती है 64 किलोमीटर का, बट अभी इसमें जो है 53 किलोमीटर दिया जा रहा है। इसमें RPM वगैरह सब, स्पीड, गियर चेंजिंग टाइम, इसका गाड़ी का जो टॉप स्पीड है वो 125 के आसपास जो है इसका टॉप स्पीड चला जाता है। अभी जो है मैं इसका जो साउंड सुना बताऊँ आपको, इसका जो जोर से वो आप सुन सकते हैं। यहाँ जो देख पा रहे हैं कि RPM वो कितना, इसमें जो है आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है, बट अगर आप कभी जो है बैटरी डाउन होने के कारण जो सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता है तो उसके लिए स्पेशल फीचर दिया हुआ है कि आप यहां से जो है बहुत ही इजीली तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से जो है बाइक स्टार्ट हो रही है। आप देखिए बाइक स्टार्ट हो गई है, शांति सुन सकते हैं। पीछे का जो है एक गियर में डाला हुआ है तो व्हील भी जो है वो घूम रही है। इसका DRL यहाँ पर आपको मिल जाता है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, यहाँ पर हॉर्न और यहाँ पर जो है अप डाउन, हाई लो बीम करने के लिए हेडलाइट, और यहाँ पर पावर और इको मोड। इसमें पावर किल स्विच बटन नहीं दिया गया है, इसमें आपको USB पोर्ट दिया हुआ है, आप सफ़र में चार्ज कर सकते हैं। ये तो अफ्टर मार्केट अलग से लगाया गया है, आप यहीं से जो है ऑफ कर सकते हैं बाइक को। इंडिया की जो है 125 राइडर्स बाइक जो है इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, क्योंकि इसका टक्कर में अभी तक कोई नहीं निकला है 125 cc में, क्योंकि 125 cc होने के कारण भी ये जो है 125 तक टॉप स्पीड इसका जो है चला जाता है। इसका जो कंपैरिजन है वो काफ़ी सारे बाइकों के साथ हो चुकी है पहले। तो अगर 125 सेगमेंट में आप कभी भी बाइक लेना चाहते हैं या हाल फिलहाल में सोच रहे हैं लेने की, तो आप 125 का जो है TVS राइडर ही लें। और ये तो फुल जेड ब्लैक कलर में परचेस किया है, और पीछे देख पा रहे हैं आप जो ब्लू कलर का जो टी शर्ट पहना है यही इसका ओनर है, और ओनर रिव्यू भी कुछ बताना चाहेंगे आप सबको। तो आप जो बाइक लिए हैं 125 TVS राइडर, तो आपको कैसा लग रहा है चलाने में, परफॉर्मेंस में, और समथिंग जो 3 मंथ हो गया है तो अब तक का जो रिव्यू है वो कैसा रहा आपका जो बाइक में? जी गाड़ी चलाने में तो अभी ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि 125 cc का गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी 150 cc का या तो 160 cc का चलाने में फील होता है। और क्या कहते हैं,
और एक चीज़ मुझे पसंद आई गाड़ी में, जैसे आप एक गियर में चला रहे हैं गाड़ी, तो यानी आपको ट्रैफिक में बार बार एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब गाड़ी ऑटोमेटिक आपको क्या कहते हैं 10 की स्पीड से मतलब आपको चलता रहेगा, मतलब आपको ट्रैफिक में जाम मतलब परेशानी नहीं होगी। आप जो है इससे पहले कौन सा गाड़ी परचेस करने के लिए तैयार हुए थे या लेने वाले थे जो अभी TVS राइडर लिए हैं? जी पहले तो मैं सोचा था कि होंडा का क्या कहते हैं 160cc क्या कहते हैं अभी लॉन्च हुआ ना क्या कहते हैं हॉर्नेट, वही मैं लेने की चॉइस रखा था, लेकिन जैसे मैं ये क्या कहते हैं 2019 को ये TVS ने लॉन्च किया है TVS राइडर, तब से मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहते हैं मैं मेरा फर्स्ट ये बाइक है लाइफ में, मैं कभी नहीं लिया था गाड़ी। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप 150cc का अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या तो 160cc तो आप यही ले लें, क्योंकि ये गाड़ी आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा माइलेज में, लुकिंग में, चलाने में। और क्या कहते हैं अक्सर हम लोग लोकल के हैं, लोकल के लिए ही फैमिली के लिए अच्छा होता है गाड़ी, कि आप फैमिली भी क्या कहते हैं सिर दिया गया है, ऐसे नहीं दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल। और क्या कहते हैं और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर स्टोरेज रखा हुआ है, ये आप इसमें क्या कहते हैं गाड़ी का जो कागज़ दिया है कागज पत्तर वो भी रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं और पर्स है आराम से, आपका जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी। गाड़ी में ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं दिया गया, बस छोटा मोटा स्पेस दिया गया। आप अगर कहीं नाइट स्टे वगैरह करते हैं टेंट वगैरह में, तो कहीं ऐसे डर लग रहा है कि मोबाइल वगैरह अगर स्टिचिंग या चोरी होने की खतरा है, तो आप यहाँ पर जो है डाल सकते हैं सीट के नीचे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर जो है मोबाइल रखा हुआ है, ये पूरी तरह से लॉक हो गया, कोई भी उधर चाबी से जो है खुलने वाला नहीं है। गाड़ी जो है चलाने में काफ़ी स्मूथली चल रही है, और इसका जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाइक परफॉर्म कर रही है, तो मुझे तो स्पेशली मुझे ये बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी लगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 125 सेगमेंट में अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो TVS राइडर ही परचेज़ करें, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर बाइक है।